नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले ही बारिश होने की सूचना देने लगता है। दोस्तों क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी भवन की छत से चिलचिलाती धूप में भी पानी टपकने लगे और बारिश की शुरुआत होते ही उस भवन की छत से पानी टपकना बंद हो जाए। दोस्तों हम मजाक नहीं कर रहे, यह घटना तो आखिर है हैरान कर देने वाली ही, लेकिन है बिल्कुल सच। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जनपद के भीतर गांव विकास खंड के ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर बसा एक गांव बेहटा के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों गाँव बेहटा में वह रहस्यमय मंदिर है जो बारिश होने के पहले ही लोगों को सूचना देने लगता है। बारिश होने के पूर्व ही इस मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है और बारिश के शुरू होते ही मंदिर की छत से टपकता हुआ पानी बंद भी हो जाता है और फिर सूख भी जाता है। दोस्तों यह घटना होती है उस गांव में बने भगवान जगन्नाथ के अति प्राचीन मंदिर में। दोस्तों इस गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि बारिश होने के 6 से 7 दिन पहले ही इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आगे बतलाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों का आकार जिस तरह का होता है, बारिश भी उसी आधार पर होती है। और जब मंदिर की छत टपकने लगती है तो यहाँ के किसान जमीनों को जोतने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें विश्वास है कि जब भी इस मंदिर की छत टपकती है तो बारिश जरूर होगी। दोस्तों हैरानी में डालने वाली बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है इस मंदिर की छत अंदर से पूरी तरह से सूख जाती है, मानो यहाँ से कभी पानी गिरा ही नहीं हो। वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए यह रहस्य। दोस्तों इस प्राचीन मंदिर की छत टपकने के रहस्य के बारे में इस मंदिर के पुजारी बतलाते हैं कि इस रहस्य की खोज करने के लिए यहाँ अनेक पुरातत्व विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक यहाँ कई बार आए, लेकिन दोस्तों आज तक वे इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि बारिश से पहले इस मंदिर की छत से पानी कैसे टपकने लगता है। अभी तक बस इतना ही पता चला है कि मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य 11वीं सदी में किया गया था। दोस्तों इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण की जो बनावट है वह एक बौद्ध मठ की तरह की गई है। इस मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी हैं, जिसके आधार पर पुरातत्वताओं के अनुसार सम्राट अशोक के शासनकाल में यह मंदिर बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों वहीं इस मंदिर के बाहर मोर का निशान में चक्र होने से कुछ पुरातत्वताओं के अनुसार यह मंदिर चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में बने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस अत्यंत प्राचीन मंदिर के निर्माण का सही अनुमान अभी कोई भी नहीं लगा पाया है। इस मंदिर में पूजा किसकी होती है? दोस्तों यह पवित्र मंदिर है भगवान जगन्नाथ का। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा की काली चिकनी पत्थरों की मूर्तियां विराजमान है। दोस्तों इस मंदिर के प्रांगण में भगवान सूर्यदेव और पद्मनाभम की मूर्तियां भी बनी हुई है। जगन्नाथपुरी की तरह ही दोस्तों इस मंदिर में यहाँ भी स्थानीय लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा हर साल निकाली जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था दोस्तों मंदिर के साथ गहरी जुड़ी हुई है और यहाँ दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते रहते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, वो इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।